हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल रेल नॉलेज में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी रहने वाली है वो है 19714 करनूल सिटी से जयपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन करता है और यह सप्ताह में एक दिन संचालित होने वाली मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, जो प्रत्येक सोमवार को करनूल सिटी से चलकर महबूबनगर, सादनगर, काचीगुड़ा, हजूर साहिब नांदेड़, पूर्णा, अकोला, मुलताई, आमला, बैतूल, इटारसी, भोपाल, उज्जैन, नागदा, कोटा, सवाईमाधोपुर के रास्ते जयपुर जंक्शन बुधवार को पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की, तो यह ट्रेन करनूल सिटी से जयपुर जंक्शन की कुल दूरी 1977 किलोमीटर को करीबन 51 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत स्पीड से अपनी यात्रा 38 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान इस ट्रेन की अधिकतम परमिसेबल स्पीड रहती है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहीं इस ट्रेन का 34 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन को लेकर जाने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को करनूल सिटी से काचीगुड़ा तक लालागुड़ा लोको सेड का वेब 7, तो वहीं काचीगुड़ा से अकोला तक गुत्ती लोको सेड का WDP4D, अकोला से जयपुर तक लालागुड़ा लोको सेड का वेब 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन में कोचेज की, तो इस ट्रेन में LHB रेक श्रेणी के कोच रहते हैं, जिनमें 2 कोच पावर कार के, 4 कोच जनरल क्लास के, 6 कोच स्लीपर क्लास के, 1 कोच पेंट्री कार का, 1 कोच फर्स्ट एसी का, 2 कोच सेकंड एसी के और 6 कोच थर्ड एसी के रहते हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इस करनूल सिटी जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के किराए की, तो इस ट्रेन का करनूल सिटी से जयपुर तक फर्स्ट एसी का किराया रहता है 4,925 रुपये, सेकेंड एसी का किराया 2,890 रुपये, थर्ड एसी का किराया 1,990 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया 750 रुपये, तो वहीं जनरल क्लास का किराया रहता है 405 रुपये। दोस्तों, इस किराए में बदलाव संभव है, इसलिए यात्रा करने से पहले आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से किराया कन्फर्म अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहेगा और उन स्टेशनों पर ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहेगा। दोस्तों, ट्रेन नंबर 19714 करनूल सिटी जयपुर एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को करनूल सिटी से शाम में 4:15 पर रवाना होगी। दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचेगी गढ़वाल जंक्शन 4:59 पर, 1 मिनट ठहरने के बाद 5 यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, महबूबनगर यह ट्रेन पहुँचेगी शाम में 6:18 पर, 2 मिनट ठहराव के बाद 6:20 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहेगा सादनगर, 7:24 में यहाँ पहुँचेगी और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:25 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, काचीगुड़ा यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 9 और 20 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:20 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, काचीगुड़ा पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है इलेक्ट्रिक से डीजल। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचेगी मेडचल रात में 10:09 पर और 1 मिनट ठहराव के बाद 10:10 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, कामारेडी यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 11:29 पर और 1 मिनट ठहराव के बाद 11:30 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, निजामाबाद जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी रात में 12:18 पर, 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 12:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, हजूर साहिब नांदेड़ यह ट्रेन पहुंचती है 3:10 पर और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 3:15 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, पूर्णा जंक्शन यह ट्रेन पहुंचेगी 3:55 पर और करीबन 20 मिनट ठहराव लेने के बाद सुबह में 4:15 पर पूर्णा जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों, पूर्णा जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है हिंगोली डेकन 5:19 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 5:20 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों, वासी में यह ट्रेन पहुंचती है 5:59 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद सुबह में 6 यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले ठहराव अकोला जंक्शन 8 और करीबन 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 8:10 पे अकोला जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों, अकोला जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है, लोगो चेंज होता है डीजल से इलेक्ट्रिक। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है मूर्तिजापुर जंक्शन 8:38 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है।
दोस्तों बडनेरा जंक्शन ये ट्रेन पहुँचती है 9:17 पे और 3 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है न्यू अमरावती 9:35 पे, 3 मिनट ठहराव के बाद 9:38 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों चंदूर बाजार यह ट्रेन पहुँचती है 10:29 पे और 1 मिनट ठहराव लेने के बाद 10:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों मोरसी यह ट्रेन पहुँचती है 10:58 पे और 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है दोपहर में 12:08 पे नारखेड़ जंक्शन, 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 12:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों मुल्ताई यह ट्रेन पहुँचती है दोपहर में 1:09 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:11 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है आमला जंक्शन दोपहर में 1:28 पे और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 1:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों बैतूल यह ट्रेन पहुँचती है दोपहर में 1:47 पे और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 1:49 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों दोपहर में 3:55 पे यह ट्रेन पहुँचती है इटारसी जंक्शन और करीबन 5 मिनट ठहराव लेने के बाद शाम में 4 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है रानी कमलापति, 5:28 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद शाम में 5:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों भोपाल जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है 5:50 पे और करीबन 10 मिनट ठहराव लेने के बाद भोपाल जंक्शन से शाम में 6 बजे रवाना हो जाती है। दोस्तों सीओर यह ट्रेन पहुँचती है 6:47 पे और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 6:49 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सुजालपुर यह ट्रेन पहुँचती है 7:25 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद शाम में 7:27 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों बेरछा यह ट्रेन पहुँचती है रात में 8:03 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों उज्जैन जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है रात में 9:15 पे और 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है नागदा जंक्शन, रात में 11 बजे यहाँ पहुँचती है और करीबन 15 मिनट ठहराव लेने के बाद 11:25 पे नागदा जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों नागदा जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है, ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है रामगंज मंडी जंक्शन 1:13 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 1:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों रात में 2:20 पे यह ट्रेन पहुँचती है कोटा जंक्शन और करीबन 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 2:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले ठहराव सवाईमाधोपुर जंक्शन सुबह में 4:05 पे और करीबन 15 मिनट ठहराव लेने के बाद 4:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सवाईमाधोपुर जंक्शन पे ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है, ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है सुबह में 5:05 पे बनस्थली निवाई और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 5:07 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों दुर्गापुरा यह ट्रेन पहुँचती है सुबह में 6:02 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव लेने के बाद सुबह में 6:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने लास्ट स्टॉप है जयपुर जंक्शन सुबह में 6:45 पे और दोस्तों यहाँ तक 1,977 किलोमीटर की यात्रा तय कर देती है। तो दोस्तों ये थी 19714 कर्नूल सिटी से जयपुर जंक्शन के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।